हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद माथुर द्वारा इसको लिखा गया है एकांकी को, तो हम अपने फर्स्ट वीडियो में इसके जो इससे रिलेटेड आया था उसमें इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। अब हम इसको शुरुआत करते हैं चैप्टर की। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में लाते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब ये जो उसके कैरेक्टर्स हैं, उसके जो चूंकि इसका एक ड्रामा है, तो इसमें कैरेक्टर्स आए हैं, बाबूलाल, नौकर, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। उनको अब उन्हीं के थ्रू हम जो कहा इसे को पढ़ेंगे। बाबूलाल, अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को इधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब। बाबू, जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है। नौकर, तख्त बिछाता, ही। बाबू, हंसता क्यों है। अबे, हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला, इसके ऊपर बिछाने के लिए, ठीक है। चादर भी कल जो धोबी से यहाँ आई थी वही। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है, गदमुई रंग छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब, रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूं तू इस वक्त धोबी की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में, शब्द अधूरे छोड़ती हुई। रामस्वरूप, धोती। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर क्या ना जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, सॉरी रामस्वरूप, क्यों वे रतन, तेरे कान में डांट लगी है क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी। प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वहां वह पड़ी तो है। रामस्वरूप, दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी मुंह फुलाए पड़ी है। ये जो अब इन चीज़ों को जो हमने अभी रीच किया है, इसमें एक जो सीन क्रिएट हो रहा है, सीन बन रहा है, इस सीन में एक किसी सामान्य सा किसी का सामान्य आदमी का, एक जो घर के जो परिवार के मतलब उसके अंदर की दशा और उन लोगों की मनोदशाओं का चित्रण यहाँ पे किया गया है। लग रहा है घर में कोई मेहमान आ रहा है। दोनों पति पत्नी घर को सजने और संवारने में व्यस्त हैं। घर का नौकर भी उनके साथ उनके कामों में हाथ बटा रहा है। प्रेमा घर की मालकिन है, रामस्वरूप उस घर का मालिक है, और जो हम रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे उमा के पिता हैं, ठीक है। और ये नौकर है जिसे हम रतन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इन सबको देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ये सभी किसी के आने की तैयारी में घर को कैसा कर रहे हैं, सजा सजा संवार रहे हैं। तो
तो अब हम इस एकांकी में आगे देखेंगे कि ये कौन सा मेहमान है, क्या है इनके बीच। ये सब हम अपने अगले जो हम जो उसको पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट होता जाएगा, हमारी जिज्ञासाओं का और एकांकी का जो भी जो उद्देश्य है वो हमारे सामने निखरता चला आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, बाय बेटा, टेक केयर।